दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, वो भी मुफ्त में। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। वैसे तो पपीता खाने के कई फायदे होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में इसे खाना नुकसानदायक हो सकता है। पपीते में मौजूद पपाइन जैसे न्यूट्रिएंट्स कई बीमारियों की वजह बन सकते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरह के लोगों को पपीता अवॉइड करना चाहिए, तो चलिए जान लेते हैं। नंबर वन दोस्तों, जिन्हें किडनी की समस्या है उन्हें पपीता अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पपीता में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स की अधिक मात्रा से किडनी स्टोन के चांस बढ़ते हैं। जिन्हें किडनी की प्रॉब्लम है वे पपीता जरूर अवॉइड करें। नंबर टू दोस्तों, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है। दोस्तों, पपीता में मौजूद एल्केलाइड से हार्ट बीट एबनॉर्मल हो सकती है, अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो इसे नहीं खाना चाहिए। नंबर थ्री दोस्तों, जिनकी सर्जरी हुई है उन्हें भी पपीता अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, पपीते में मौजूद पपाइन से खून पतला हो सकता है, जिनकी सर्जरी हुई है उन्हें पपीता अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी में पपीता खाना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि दोस्तों पपीते में मौजूद पपाइन से अबॉर्शन की संभावना बढ़ती है, इसलिए प्रेगनेंसी में पपीता अवॉइड करना चाहिए। और आखिरी है दोस्तों, जिन्हें डायरिया है वे भी पपीता नहीं खाएं तो फायदा रहता है। इसमें फाइबर्स होता है, जिन लोगों को डायरिया होता है वे पपीता न खाएं, इससे प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये था किन लोगों को पपीता नहीं खाना चाहिए। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।